हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ चुंगे जी सेवा जा रही है, स्तुति करो। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी भगवान भूत भाव, भूतेश्वर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, शिव की पावन कथा मार्गशीर्ष मास के इस पावन अवसर पर भगवान विश्वनाथ की ये पावन कुबेरेश्वर महादेव की निर्माणाधीन कुबेरेश्वर मंदिर की पावन धरा पर गौ माता के सानिध्य में भगवान शिव की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। कुबेर भंडारी की कृपा करुणा, कैलाशी अविनाशी की कृपा, जो अपन सब भगवान शिव की पावन कथा श्रवण करने के लिए बाबा कुबेरेश्वर महादेव के इस पावन मंदिर प्रांगण में विराजमान होकर अलौकिक भगवान शिव की कथा को श्रवण कर रहे हैं, कथा के मुख्य यजमान मुख्य मनोरथी जो कि नाम को गुप्त रखे हैं, फिर भी कथा प्रारंभ करने से पहले जो मनोरथी होते हैं, यजमान होते हैं, उनका नाम गोत्र का स्मरण इस व्यासपीठ से होना चाहिए, जिससे जिस अभिलाषा से जिस भाव से ये पावन कथा कराई जा रही है। भगवान भूत भावन भूतेश्वर चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको ठीक करिए। भगवान भूत भावन भूतेश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण करें। वैसे तो कथा मनोरथी 7 दिन के शिव महापुराण के श्री सालासर बालाजी महाराज ही हैं, पर सालासर जी बाबा के अनंत कोटि आनंद करने वाले भगत श्री बालकृष्ण जी, ललिता देवी जी अड़ोकिया, अड़ोकिया परिवार मुंबई, जिनके प्रतिनिधि के रूप में कथा में पूजन करने के लिए विठले सेवा समिति के कर्मठ कार्यकर्ता श्री मनीष जी राठौर,
सधर्म पत्नी यहाँ पर विराजमान होकर भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते ज़्यादा भीड़ तो हम यहाँ एकाग्रित नहीं कर सकते, पर आप सब जैसे एक नियम बना दिया है कि 50 यात्री प्रत्येक कथा में आ सकते हैं। यहाँ पर उनकी रहने की व्यवस्था, चाय नाश्ता, भोजन, ठहरने आदि की व्यवस्था सब बाबा कुबेरेश्वर ही करते हैं। तो जो भी जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं कथा को श्रवण करने के लिए, पुणे से, लखनऊ से, पंजाब से, हरियाणा से, जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं, भगवान कुबेरेश्वर की धरा पर बैठकर आप पावन कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं और बाबा की कथा श्रवण करने का जो सुख है वो जीवन का सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। इसके कनेक्शन से कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो जीवन का सुख पर श्री सालासर बालाजी महाराज की तो कृपा अपन पर है ही, पर बाबा कुबेरेश्वर भंडारी भगवान शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की करुणा जब तक नहीं होती तब तक जीव भगवान की पावन कथा को श्रवण नहीं कर सकता। सभी श्रोता भाई बहन लगातार नित्य प्रति भगवान शिव की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कई दिनों से लगातार यह लॉकडाउन में भगवान की पावन कथा ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपन सभी को। भक्तिमती देवी माँ भक्ति आप सभी के हृदय चित्त में विराजमान हो। 24,000 श्लोक की ये पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवन में भगवान की भक्ति और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है। पहले भी कथा में कहा कि अगर हमने भक्ति को पकड़ लिया, भक्ति को साध लिया, तो मुक्ति का मार्ग तो आप रूप ही सुलभ हो जाता है। पर भक्ति के मार्ग को छोड़कर हम प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ हम ऐसा दान कर दें, पुण्य कर दें, सत्कर्म कर दें, कुछ ऐसा कर दें जिससे हमारी मुक्ति हो जावे, पर हम भक्ति को छोड़कर मुक्ति के मार्ग को पकड़ने का प्रयास करते हैं। पर शिव कथा कहती है कि जितना भक्ति के पद पर चलोगे उतना मुक्ति सहज मिल जाएगी, उतना मुक्ति सहज। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय हर हर महादेव। हम यदि भक्ति के मार्ग को पकड़ लें तो मुक्ति का मार्ग अपने आप हमारा सुलभ हो जाता है। और शिव की आराधना, शिव का स्मरण, शंकर का अनुमोदन, शिव के चरणारविंद का रस तत्व, मानव का शरीर पाने के बाद यदि हमने ग्रहण नहीं करा, मानव का शरीर पाने के बाद यदि हम शंकर की चरणारविंद का रस तत्व नहीं पा पाए तो यह मनुष्य की देह बेकार है। चौबीस हजार शिव महापुराण के श्लोकों में, शब्दों में, एक एक शब्द में, एक एक श्लोक में, एक एक छंद में, एक एक लाइन में शंकर का ही शिवलिंग स्वतः विराजमान है। स्वयं शंकर का ही एक स्वरूप शिव महापुराण के रूप में विराजित है। हमारा शंकर का एक स्वरूप, समुद्र मंथन के समय पर जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया है, उस मंथन में सबसे पहले अगर निकली है तो पांच गाय प्राप्त हुई। और उन पांच गाय जब प्राप्त हुई, उन गौ माता को प्राप्त कर कर भगवान स्वयं भूत अधिपति भगवान शिव के पास में सूचना पहुंची कि ये पांच गाय समुद्र मंथन में प्राप्त हुई है, ये पांच गाय मंथन में निकली है। और ये जो ये पांच गाय मंथन में प्राप्त हुई हैं, इन पांच गायों को किस किस को दिया जाए, किस किस को प्रदान किया जाए, एक बात ध्यान रखिए अपने जीवन में कि जैसे समुद्र मंथन में नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, जैसे ये पांच गायें मंथन के समय पर प्राप्त हुई, उसी तरह हम जब भगवान शिव के दरवाजे पर जाते हैं, शंकर के मंदिर में पूजन करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, अर्चना करने के लिए जाते हैं, तो हम भी पांच चीजों को लेकर जाते हैं, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, जल आदि सभी सामग्रियां हम लेकर जब भगवान शिव की शरणागति में, भगवान शंकर के चरणों में जब जाते हैं, तो कभी कभी मन में पहले एक प्रश्न उठ जाता है, मन में एक प्रसंग उत्पन्न हो जाता है कि भगवान को रिझाने के लिए हम कौन सी वस्तु शिव के अभिषेक में सर्वप्रथम समर्पित करें। हम शंकर को रिझाने के लिए कौन सी वस्तु सबसे पहले भगवान को समर्पित करें, ये हमारे मन का एक प्रसंग, हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है। हमारी चित्तवृत्ति में ये भाव आ जाता है तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन रहेगा कि वस्तुओं को शंकर को समर्पित करने से पहले प्रयास करिएगा कि इस मन को शंकर को समर्पित किया जाए। डीले बिल्कुल बंद कर दीजिए और बेस खोलकर उसकी आवाज क्लियर कर दीजिए। इन सारी वस्तुओं को देने से अच्छा है, सारी वस्तुओं को प्रदान करने से अच्छा है कि हम भगवान को सबसे पहले अगर कोई वस्तु दें, भगवान को कोई सामग्री दे रहे हैं, भगवान को कोई वस्तु प्रदान कर रहे हैं, तो शंकर को सबसे पहले अगर देना है तो हम अपना चित्त, हमारी वृत्ति, हमारा मन भगवान को प्रदान करें। भगवान शिव के मंदिर में जब हम प्रवेश करें तो भगवान शंकर की चौखट पर जब हम पहुंचे और हम जब प्रवेश भीतर के लिए करें, हम जब अंदर प्रवेश करने लगे तो हमारा मन, हमारी चित्तवृत्ति, हम कुछ देर के लिए परिवार, कुटुंब, रिश्ते, नाते सबसे हटाकर केवल एक जिस भगवान का हम पूजन करने जा रहे हैं, जिस भगवान का हम स्मरण करने जा रहे हैं, जिस भगवान की हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं, हम उसको अपनी चित्तवृत्ति समर्पित कर दें। फिर निवेदन करूंगा जो पहले कथाओं में कहा,
संसार के लोग भगवान को सारा सब कुछ समर्पित कर देते हैं, दूध भी दिया, दही भी दिया, शक्कर भी दी, शहद भी दिया, घी भी दिया, बेलपत्री भी दी, शमी पत्र भी दिया, पुष्प भी दिया, कुछ भगवान को भोग भी लगा दिया, तुमने भगवान को सब कुछ दिया, सब कुछ समर्पित कर। पर इन सारी वस्तुओं से पहले, इन सारी सामग्री से पहले हमें भगवान को अपनी चित्तवृत्ति देना है, भगवान को हम वो नहीं दे पाते। भगवान को हम अपना मन नहीं दे पाते। सबसे पहले भगवान के मंदिर में पहुंचकर हम अपना मन, अपनी चित्त, अपनी वृत्ति भगवान को दे। लंकाधिपति रावण ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। लंकाधिपति रावण भगवान ब्रह्मा को अगर प्रसन्न कर रहे हैं तो अपना शीश काट कर दे रहा है। लंकाधिपति रावण जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहे हैं तो अपना मस्तक काट कर दे रहा है। और लंकाधिपति रावण जब भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं तो कोई सामग्री नहीं, कोई वस्तुएं नहीं। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए लंकाधिपति रावण बहुत सारी बेलपत्र लेकर नहीं बैठा था। लंकाधिपति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे पुष्प लेकर नहीं बैठा था। ना पुष्प लेकर बैठा, ना बेलपत्र लेकर बैठा, ना बहुत सारी वस्तुएं, दूध, दही, शहद, घृत बहुत लेकर बैठा हो ये भी नहीं है। लंकाधिपति रावण जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए बैठा तो मंदोदरी ने एक शब्द पूछा था लंकाधिपति रावण से, रावण सहिता। भाग दो, मंदोदरी पूछ रही है लंकाधिपति रावण से, हे लंकाधिपति रावण, हे लंकेश, हे स्वामी, आपने ब्रह्मा को मस्तक देकर प्रसन्न किया, सारे देवताओं से जो जो मांगना था आपने कुछ ना कुछ प्रसन्नता देने के लिए उनको कुछ ना कुछ दिया। मुझे केवल इतना सब पूछना है स्वामी कि आप शिव को प्रसन्न कर रहे हो, शंकर को प्रसन्न कर रहे हो, तो शंकर को प्रसन्न करने के लिए आप शिव को क्या दोगे, शंकर को क्या दोगे? फिर वही वाला प्रश्न आ गया कि महाराज शिव जी को रिझाना है तो कौन से कलर के कपड़े पहनना पड़ेगा? शास्त्र कहता है शंकर को रिझाने के लिए कपड़ा नहीं, कलेजा बदलना पड़ेगा। जिस दिन कलेजा बदल गया उस दिन शिव मिल गया, जिस दिन कलेजा बदल गया उस दिन शंकर मिल गया, उस दिन भगवान शिव प्राप्त हो जाए। तो मंदोदरी पूछ रही है कि आपने ब्रह्मा जी को रिझाया तो सिर काट कर दिया, आपने अन्य देवताओं को रिझाया तो कुछ ना कुछ प्रदान करा, तो शंकर जी को आप क्या दोगे रिझाने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या प्रदान करोगे? भगवान लंकाधिपति, लंकेश, रावण शिव का स्मरण कर अपनी धर्मपत्नी मंदोदरी से कहते हैं, मंदोदरी 33 कोटि देवता, सारे देवताओं को रिझाने के लिए कुछ ना कुछ प्रदान करना पड़ता है, पर मेरे भूत भावन भूतेश्वर, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी केवल शिव एक ऐसे हैं जिनको रिझाने के लिए कोई वस्तु नहीं, कोई फल नहीं, कोई फूल नहीं, कोई भोग नहीं, कोई सामग्री नहीं। शंकर को रिझाने के लिए तो केवल मन, चित्त और वृत्ति से जिसने शंकर को पुकार लिया, जिसने शिव को बुला लिया, शंकर उसका हो गया। एक बार जो चित्रवृत्ति से, एक बार जो दिल से, एक बार भगवान को जो पुकार लेता है, एक बार भगवान को जो रिझा लेता है, भगवान उसका हो जाता है।
और उनको पाने का एक तरीका, शिव को पाने का एक सबसे सुंदर तरीका, आप कुछ भी लेकर शंकर जी के मंदिर में नहीं गए हो, जल भी आपके हाथ में नहीं है, आप कोई दूध लेकर नहीं गए हो, आप कोई दही लेकर नहीं गए हो, आप कोई पंचामृत लेकर नहीं गए हो, आप कोई बेलपत्र लेकर नहीं गए हो, आप कोई सामग्री लेकर नहीं गए हो, फिर भी अगर शिव के मंदिर में आप पहुंचे हो तो दिल से फिर निवेदन करूंगा जो पहले की कथा में कहा, एक क्षण आधी घड़ी, 5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 1 मिनट, कुछ सेकंड भगवान के सामने जितनी देर बैठे हो उससे अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात भगवान को जरूर कहो, इस चित्त से, इस मन से कहो। जब आप अपने मन की बात भगवान से कह दोगे तो भगवान उस बात को रीझ लेगा, भगवान उस बात को श्रवण कर लेगा। आप दिल से कहो, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला प्रेम से आनंद से। भगवान शिव से जो
करोगे, निवेदन करोगे, दिल की बात जब शिव से कहोगे, भगवान शंकर से जो आप विनती करोगे, निवेदन करोगे, अर्चना करोगे, दिल से कहोगे, जो कुछ भी करो, और जब मन से अगर कोई बात निकले, जब मन से अगर भगवान को कोई बात कही जाए तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, भगवान उसको स्वीकार कर लेता है। कुछ भी ना ले जाए तो भी इस मन को लेकर भगवान के द्वार जरूर जाए।